राजन चंद सितंबर संग बाली 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए। चलिए उनको लिखवा दे, अभी महामहिम का आगमन हो गया और मैं अपना काम आगे बढ़ा रहा हूँ। अशोक हेलो, अभी ओ हेलो, ओ कर्नाटक राज्य के महामहिम राज्यपाल माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब, परम पूज्य गच्छाधिपति धर्म दिवाकर आचार्य नित्यसेन सूरी जी महाराजा और भांडवपुर तीर्थोद्धारक आचार्य जयरत्न सुरेश्वर जी महाराजा के साथ सभी महामुनियों का आशीर्वाद लिया है और यहाँ उपस्थित जैन शासन के सभी वीरों को हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, जोरदार तालियां बजाइएगा। आदरणीय माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब का एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम सभी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और मंच पर मैं आमंत्रण दे रहा हूं हमारे विक्रम कुमार जी बालड़ से, मेरा निवेदन है कृपया मंच पर पधारकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान विक्रम कुमार जी बालड़, आदरणीय अशोक कुमार जी संकलेजा, आदरणीय अशोक कुमार जी संकलेजा, श्रीमान महावीर कुमार जी हिरानी, श्रीमान हर्ष कुमार जी पधारो, आदरणीय पारस जी जैन सर, गौतम चंद जी बालड़, श्रीमान गौतम चंद जी बालड़ पादरू वाले पधारिए। जी मैं फिर कह रहा हूं, विक्रम कुमार जी, अशोक कुमार जी संकलेचा, महावीर कुमार जी ईरानी और गौतम चंद जी बालड़ पादरू वाले और पारसमल जी आप भी बैठो। हाँ, जो नाम लिखे वही बैठेंगे। पहला नाम विक्रम कुमार जी का है, दूसरा नाम अशोक कुमार जी का है, तीसरा नाम महावीर कुमार जी हिरानी, जिनके पुण्य सम्राट की ध्वजा है, जिनके अमर ध्वजाएं हैं उनके लिए स्थान सुरक्षित रखा गया है। ये सभी अमर ध्वजा के लाभार्थी, ये सब लास्ट में है आपके पादरू वाले गौतम चंद जी बालड़। ठीक है, आप पारस जी इधर आओ। हाँ चलिए, मीडिया वालों का बहुत बहुत आभार है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 13 दिनों से महामहिम राज्यपाल श्री का ध्यान आकर्षित करते हुए बताना चाहूँगा कि आपके पधारने से यहाँ इस भांडवपुर तीर्थ नहीं, आसपास के 150 गांवों के लोग यहाँ पर विराजमान है आपको सुनने के लिए, आपके व्यक्तित्व की न केवल अनुमोदना करने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये थावरचंद जी गहलोत साहब जो यहाँ पर विराजमान है, हमारे जैन शासन के पुण्य सम्राट जैन सेन सूरी जी महाराज साहेब की जो विकास यात्रा प्रारंभ हुई थी, जयंत विजय जी से वे कहाँ जाकर के जैन सेन सूरी बने, कहाँ जाकर के पुण्य सम्राट बने, कहाँ जाके राष्ट्र संत बने, कहाँ जाकर के लोक संत बने, इतनी लंबी यात्रा को उन्होंने जिस त्याग के साथ में, जिस बलिदान के साथ में, जिस तरीके से इस राष्ट्र की और समाज की सेवा करते हुए आगे बढ़े हैं, वैसे ही यहाँ पर उपस्थित आज के समारोह के मुख्य अतिथि, आज के समारोह के कीनोट स्पीकर रेस्पेक्टेड गवर्नर ऑफ कर्नाटका रेस्पेक्टेड थावरचंद जी गहलोत कम्स इन अवर रिलीजियस सेरेमनी इन विच वर्ड शैल वी एक्सप्रेस अवर ऑब्लिगेशन एंड ऑल टाइप ऑफ अवर रिसेप्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ थावरचंद जी गहलोत। जोरदार तालियां बजाए एक बार सभी मिलकर के। आप पुण्य सम्राट जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहेब के अंतेवासी शिष्य और उनके गुरु भक्तों में गिने जाते हैं, चाहे हमारे पुण्य सम्राट की राष्ट्र संत की पदवी का कार्यक्रम तत्कालीन उपराष्ट्रपति शंकर दयाल जी शर्मा रहे हो, उस सभा में आपकी हाजिरी थी जब गुरुदेव के रतलाम चातुर्मास में कश्यप कुमार जी, श्री चैतन्य कुमार जी कश्यप और उनके परिवार द्वारा, चातुर्मास संचालन समिति द्वारा जब पुण्य सम्राट को लोक संत की उपाधि दी गई
उस सभा में थावरचंद जी गहलोत हाजिर थे, ये बात हमको कहते हुए इसलिए गर्व होता है कि पुण्य सम्राट के साथ साथ में उनके आशीर्वाद से आपकी जो विकास यात्रा चली, आलोट से विधायक बनने के बाद आपकी जन सेवा का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। इतना ही नहीं, भारत के सर्वोच्च संसदीय भवन में उच्च सदन के आप जो है उच्च नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय चुनाव समिति के आप मेंबर रहे, राज्यसभा के आप मेंबर रहे, भारत सरकार में सर्व प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की सबसे ऊंची बैठक लोकसभा में आप 2014 से लगा करके 2021 तक लगातार अनवरत गरीबों, बेकसों, मजबूरों, दलितों की सेवा के लिए जिस तरह से आपने ये कालखंड व्यतीत किया है वो अपने आप में केंद्रीय जो है अधिकारिता और संसदीय मंत्री के रूप में आपने आदिवासियों, दलितों की सेवा में जो कार्य किए हैं वो भारतीय लोकतंत्र के अंदर याद किए जाएंगे। 2021 से लगाकर आज दिन तक लगातार आप मालवा का गौरव बढ़ा रहे हैं और मालवा मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति हैं जो कि कर्नाटका के राज्यपाल के रूप में अपनी सेवाएं पिछले 4 सालों से अनवरत रूप से दे रहे हैं। मैं पुण्य सम्राट के इस पुण्य मंच पर आप जैसे पुण्य गुरु भक्त का एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए आगे चलते हैं और मैं हमारे प्रतिष्ठा संचालन समिति की ओर से फाइबर्स कुंदन ग्रुप के आदरणीय श्रीमान पारस जी जैन को आवाज दे रहा हूं कि आप आए, और पूरे तीर्थ की ओर से महामहिम राज्यपाल श्री और पधारे हुए गुरु भक्तों के सम्मान में स्वागत उद्बोधन की अपनी बात कही। श्रीमान पारस जी। जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शशत नमन, दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरसुर महाराज साहब के चरणों में शशत नमन, पुण्य सम्राट जैन सेन सुरसुर महाराज साहब के चरणों में शशत नमन, शांति विजय जी महाराज साहब के चरणों में शशत नमन, पाठ पर विराजित आचार्य देव नित्य सेन सुरसुर महाराज साहब के चरणों में शशत नमन, जयरत्न सुरसुर जी महाराज साहब के चरणों में शशत नमन, साधु और साध्वियों के चरणों में शशत नमन, महामहिम कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत जी जो आज हमारे बीच में पधारे हैं, मैं समस्त ट्रस्ट मंडल की ओर से और समस्त जैन समाज की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप काफ़ी पुराने अपने जैन समाज से जुड़े हुए हैं और ख़ास हमारे जैन सेन सुरसुर जी महाराज साहब के साथ उनका बहुत ही लगाव रहा है और मैं काफ़ी सालों से उनको जानता हूं। जब जैन सेन सुरसुर महाराज साहब थे जहाँ भी थे तब इनका वहाँ आवागमन होता था। मैं समस्त ट्रस्ट मंडल समस्त जैन समाज की ओर से आपका बहुत ही ऋणी और आभारी हूँ कि आपने यहाँ आके जो हमारे यहाँ पे मंगल प्रसंग चल रहा है उसकी शोभा बढ़ाई। खूब खूब धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अब महामहिम श्री का हम सभी स्वागत करवाने जा रहे हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ बहुमान के लाभार्थी तिलक के शास्त्रीमान अंजारी मल जी, कुंदन मल जी, अन्ना जी, संकलेचा परिवार के किशोर कुमार जी, एक एक व्यक्ति आए अलग जी, किशोर कुमार जी अधिकृत किए गए हैं, वे आगे आए और महामहिम का तिलक लगाकर बहुमान करें। इसी तरह मीठा लाल जी, गहन मल जी, संकलेचा परिवार से सुरेश कुमार जी आगे पधारें, माल्यार्पण कर महामहिम का स्वागत करें। सुरेश जी, नाम बोल देता हूँ मैं, सुरेश जी हाजिर है? आगे आगे आगे, एक मिनट तिलक वालों को आने दो, तिलक अपना ही है। चलो तिलक का थाल लाओ, बाकी सब एक साथ में लाओ ना, अलग अलग क्यों लाए? तिलक का लाभ लिया है अंजारी मल जी, कुंदन मल जी, अन्ना जी, संकलेचा परिवार ने पूरी प्रतिष्ठा में, और ये इनका गौरव है किशोर भाई का कि आपको महामहिम श्री के भाल पर तिलक लगा करके और उनका सम्मान करने का ये स्वर्णिम अवसर मिला है। आपके अहोभाग्य की सराहना करता हूँ और विनती करता हूँ कि वे महामहिम राज्यपाल श्री के भाल पर तिलक लगा करके और भांडवपुर तीर्थ समिति की ओर से उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। पधारो। शास्त्रीमान मीठालाल जी, नैनमल जी, संकलेचा परिवार से सुरेश जी, सुरेश जी यहाँ मेरे पास में तैयार हैं। संपूर्ण प्रतिष्ठा के तमाम लाभार्थियों का माला द्वारा तिलक लगा करके
स्वागत करने का इस परिवार ने गौरव हासिल किया है। मीठालाल जी, नैनमल जी, शंकलेजा परिवार मेगड़वार की ओर से, सुरेश कुमार जी मेरे पास में यहाँ मौजूद हैं, वे महामहिम श्री का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। बहुत बहुत बधाई है किशोर भाई आपको भी। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय हो। थैंक यू सर। आ जाओ आ जाओ। सुरेश जी आइए। मीठालाल जी, नैनमल जी, मीठालाल जी, गैनमल जी, संकलेचा परिवार द्वारा सुरेश कुमार जी मंच पर मौजूद है। महामहिम राज्यपाल कर्नाटका श्री थावरचंद जी गहलोत का माल्यार्पण करके और भांडपुर तीर्थ की ओर से आपका अभिनंदन किया जा रहा है। साफा पहनाने का गौरव मिला है प्रागाणी परिवार संकलेचा। प्रागाणी परिवार के जयंतीलाल जी कौन है, कौन है? एक मात्र आगे 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 आ जाइए, आ जाइए, जल्दी आ जाओ दौड़ के। हाँ, शाह श्रीमान सागरमल जी, नैनमल जी, प्रागाणी संकलेजा परिवार के जयंतीलाल जी से विनती करता हूँ कि वे आगे पधारे और साफा पहनाकर, सॉरी पहले श्रीपल है, श्रीपल के लिए मनोहरमल जी, मनोहरमल जी साकलचंद जी वाणीगोता परिवार के, क्या नाम है? आगे आ जाओ जल्दी फटाफट। श्रीपल वाले हो ना, जयंतीलाल जी पधारो सा। मीडिया वाले थोड़ा पीछे रहे, हेलो थोड़ा सा, चलो आने दो ना इनको। श्रीपल दीजिए। ये मनोहरमल जी साकलचंद जी वाणीगोता परिवार से जयंतीलाल जी महामहिम श्री को श्रीपल प्रदान कर रहे हैं। साफा सागरमल जी, नैनमल जी, प्रागाणी परिवार श्रीमान जयंतीलाल जी पधारो। हमारे भांडवपुर तीर्थ के अध्यक्ष श्रीमान रमेश जी साजी मंच पर पधारे। जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट, जल्दी आ जाइए। प्रोटोकॉल में नहीं है, नजर नहीं लगे इसलिए हम। अच्छा ठीक है, हमारे कमलेश बाबू बता रहे हैं कि नजर ना लगे इसलिए हम कुछ लोगों को बिल्कुल जो है छिपा के रखते हैं। उनमें से हमारे बहुत ही सरलतम सादगी और जो है सरल व्यवहार के धनी आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान रमेश जी शाह यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे अब मोमेंटो संघवी मोहन देवी साकलचंद जी पालगोता परिवार, इनको अध्यक्ष जी को साथ ले लो पारस भाई, फाइब्रोस ग्रुप की ओर से। आज दो महापुरुषों की ओर से लिखित पुस्तकों का विमोचन भी महामहिम द्वारा हम करवाने जा रहे हैं। पहली पुस्तक भांडवपुर तीर्थ गीतांजलि, जो कि हमारे परम पूज्य पुण्य सम्राट जैन सेन सुश्विज जी महाराजा के शिष्य मुनि चारित्र रत्न विजय जी द्वारा लिखित है और उसमें भांडवपुर तीर्थ की महिमा का गान गद्य और पद्य में लिखा गया है। दूसरी पुस्तक पूज्य पुण्य सम्राट के शिष्य प्रशम सेन विजय जी महाराज साहिब द्वारा जयंत सेन गुण गाथा, इन दोनों ही पुस्तकों का विमोचन मैं निवेदन कर रहा हूँ। पुस्तकें लाए है? हमारे पारसमल जी के परिवार से कोई हो तो आगे बता रहे हैं। कुंदन परिवार, फाइब्रोस कुंदन परिवार, कोई भी एक आदमी आ जाइए। अरे पारस जी के हाथ से हो गया, लम्बा लम्बा मत खींचो। महामहिम के हाथ से होगी, महामहिम के हाथों से इसका विमोचन होगा। ये दोनों ही पुस्तकों का विमोचन खोलो। महामहिम राज्यपाल कर्नाटका आदरणीय थावरचंद जी गहलोत, जो हमारे पुण्य सम्राट के परम गुरु भक्त रहे हैं, उनकी विकास यात्रा के साथ में सतत रूप से आप भी बने रहे हैं। ये भांडवपुर तीर्थ गीतांजलि
पूज्य चारित्र रत्न विजय जी महाराज साहेब और प्रशम सेन विजय जी महाराज साहेब द्वारा रचित दोनों ही पुस्तकों का विमोचन लाइए। और अब मैं बिना किसी पूर्व भूमिका के हमारे बीच में परम पूज्य गच्छाधिपति धर्म प्रभावक आचार्य भगवंत, जिन दोनों ही महापुरुषों को पूज्य पुण्य सम्राट ने इस त्रिस्तुतिक जैन महासंघ का दायित्व सौंपा और आज दोनों ही बहुत ही समरसता के साथ में दोनों ही हमारे त्रिस्तुति जैन संघ की आंख हैं और दोनों ने इस संघ और महासंघ को कितना आगे ले जाया है। ये भांडवपुर तीर्थ की प्रतिष्ठा अंजनशाला का महाविधान में पधारे हुए सभी गुरु भक्तों का सैलाब हमें बता रहा है। मैं आप सभी की ओर से भांडवपुर तीर्थोद्धारक परम पूज्य महामहिम राज्यपाल श्री से दोनों ही पुस्तकों का विमोचन हुआ है और हो गया पर जी, चलिए इधर आइए। बहुत खुशी की बात है कि आज सकल चतुर्विध श्री संघ ने मिलकर परम पूज्य धर्म दिवाकर धर्म चक्रवर्ती गच्छाधिपति आचार्य भगवंत रत्नसेन सुरेश्वर जी महाराजा की आज्ञा और उनकी प्रेरणा से सभी महापुरुषों की भावना के अनुसार चतुर्विध श्री संघ की ओर से परम पूज्य युग प्रभावक पुण्य सम्राट राष्ट्र संत श्रीमद जैन सेन सुरेश्वर जी महाराजा के पटलधर एवं कृपा सिंधु योगीराज संयम स्थिवर योगीराज शांति विजय जी महाराज साहेब के सुशिष्य प्रवचनकार तीर्थ प्रेरक सूरी मंत्र आराधक पूज्य आचार्य देव श्रीमद विजय जय रत्न सुरेश्वर जी महाराजा के 50वें दीक्षा दिवस सहित श्री तत्वत्रयी प्रतिष्ठा महोत्सव भांडवपुर के इस पावन अवसर पर महामहिम राज्यपाल कर्नाटका श्री थावरचंद जी गहलोत के मुख्य आतिथ्य में उनके कर कमलों द्वारा भांडवपुर तीर्थोद्धारक पद प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाइएगा। शुभ निष्ठा शुभ प्रेरणा धर्म दिवाकर आचार्य भगवंत गच्छाधिपति इधर जाइए। धर्म दिवाकर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद विजय नित्य सेन सुरेश्वर जी महाराजा परम उपकारी गुरु भगवंत आप श्री के सतत परिश्रम लगन प्रेरणा एवं प्रबल आत्मविश्वास से परम कृपालु श्री वीर परमात्मा दादा गुरुदेव राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराजा पुण्य सम्राट जैन सेन सुरेश्वर जी महाराजा तप सम्राट शांति विजय जी महाराजा आदि की कृपा से दियावट पट्टी जैन श्वेतांबर संघ एवं भारतवर्षीय समस्त श्री सौधर्म बृहद तपागच्छी त्रिस्तुति जैन महासंघ समस्त जैन संघों के आर्थिक सहयोग से श्री भांडवपुर तीर्थ का संपूर्ण जीर्णोद्धार एवं आप श्री के कुशल मार्गदर्शन में संपादित हुआ। आपने आप श्री ने अपनी बुद्धि कौशल वाक्पटुता स्पष्ट वक्तृत्व कला मिलनसारिता सामाजिक समरसता प्रशासनिक सामुदायिक विषम परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्वक निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता से ये जीर्णोद्धार की विकास यात्रा का मनोरथ कार्य संपन्न हुआ है। इतना ही नहीं, पूज्य गच्छाधिपति धर्म दिवाकर आचार्य भगवान की प्रेरणा और उनकी शुभ निष्ठा में आपने भांडवपुर महातीर्थ की तत्वतई प्रतिष्ठा अंजनशाला का महाविधान के 16 दिवसीय कार्यक्रम को संपन्न करवाने का गौरव भी हासिल किया है। इस निमित्त आपके 50वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष में सकल संघ मिलकर के भांडवपुर तीर्थोद्धारक का पद आपको प्रदान किया जाता है। अभिनंदन करता महावीर जैन श्वेतांबर पेढ़ी श्री धर्मनाथ राजेंद्र जैन भाग्योदय ट्रस्ट भांडवपुर तीर्थ आज 17 फरवरी 2024 विक्रम संवत 2080 माघ शुक्ला अष्टमी में
माननीय राज्यपाल श्री से विनती करता हूं कि यह अभिनंदन पत्र अपने खर कमलों से पूज्य हमारे प्रेरक गच्छाधिपति की आज्ञा से सभी लोग अपनी जगह पर बैठे रहें। इधर प्रदान कर वाक्षेप से आशीर्वाद इधर इधर वो जो गच्छाधिपति ने वास्केप किया है और जयरत्न सूर्य जी महाराज साहेब को अर्पण किया जा रहा है। ट्रस्ट मंडल आ जाए। श्रीमान रमेश चंद जी शाह जी, आदरणीय रणजीत भाई, श्रीमान पारसमल जी, मीडिया वाले भाई आ जाए थोड़ा नजदीक। ये भांडवपुर तीर्थोद्धारक की पदवी देकर के जयरत्न सूर्यश्वर जी महाराज साहेब को उनके दिए गए किए गए कृतकार्यों से आज अभिभूत किया जा रहा है। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की जय हो। और अब मैं पूज्य आचार्य जयरत्न सूर्यश्वर जी महाराज साहेब से विनती करने जा रहा हूं कि वे अपने भाव पुष्पों से अपनी अंतर्मय देशना से यहां पर उपस्थित चतुर्विश श्री संघ को लाभान्वित करें, हम सभी को प्रकाशित करें। आचार्य जयरत्न सूर्यश्वर जी महाराज साहेब, जिनको अभी अभी भांडवपुर तीर्थोद्धारक की पदवी से सम्मानित किया गया है, चतुर्विश श्री संघ की ओर से हार्दिक बधाई देते हुए निवेदन है कि वे सभा को अपना प्रासंगिक उद्बोधन दें। त्रिवर्ग संसाधन मंत्रेण पशुर्विफलम नरस्य। भोजनशाला की गाड़ियां बंद है, अभी कोई नहीं जाए। परवरम प्रजन्ति नतम विना यद भवतोर्थ कामो। पाठ पर विराजित समस्त चतुर्थी संघ के नायक पूज्य गच्छाधिपति नित्य सेन सुश्री महाराजा एवं आप सभी में आज जिन शासन की शोभा एवं तृत्व की गरिमा को बढ़ाने में जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर कर्नाटका से इस रेगिस्तान में मरुभूमि में आने का भाव रखा, वे महामहिम राज्यपाल श्री थावरचंद जी कैलोसा, जिन शासन में यह नियम है कि व्यक्ति को तीर्णा है तो या तो त्याग करें या भक्ति का मार्ग का अनुसरण करें। जिनसे त्याग हो सकता है वो सबसे श्रेष्ठ है और जिससे त्याग नहीं होता है वह भक्ति के माध्यम से भी आगे बढ़ सकता है। भांडवपुर प्राचीन तीर्थ, भगवान महावीर तो वैसे बार बार विलेपन के कारण नए नए रूप स्वरूप में आते ही आते, लेकिन करीबन 1100 साल की इस लंबी मुसाफरी में इस मंदिर का भी बार बार जीर्णोद्धार होता रहा। इस बार का जीर्णोद्धार दादा गुरुदेव राजेंद्र सिंह महाराज साहब की उस भावी आगाही का कारण है। आज से 154 वर्ष पहले जब दादा गुरुदेव महाराज साहब यहां पधारे तब यहां पर सुविधा के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर नहीं था, लेकिन गुरुदेव तो योगी थे, ज्ञानी थे, पारदर्शी थे। जैसे इस भूमि में आए एक ही मन बने गया, मुझे तो यहां अठाई पूर्वक कौशक में ओम ब्रीम अरहम नमः के जाप करने, वो 8 दिन के 28 अखंड जाप में
इतनी सबल और मजबूत हुई कि यहाँ के अधिष्ठा को आकर के कहना पड़ा, गुरुदेव आप इससे संघ को प्रेरणा देकर के नया रूप दें। और उसी की याददाश्त में गुरुदेव ने अपने ज्ञान योग और भक्ति के माध्यम को कलमबंद करते हुए आज जिस पुस्तक का विमोचन गहलोत साहब ने किया है उसमें वह भी पूर्ण से समाहित है। वर्धमान जिनेश्वर नमत सुरेश्वर अति अलवेश्वर तीर्थपति सुख संपत्ति दाता जग विख्याता सर्वविज्ञाता शुद्धियति जसु नामति रोगा काम योगा लय शंका भांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे अतिमंका डायण ने सायण प्रेत परायण भूत भवायण सौभाजे चुड़ैल चंडाला अति विकराला सतक्षाला नहीं गाजे दुष्ट ने डाटे कुष्ठे काटे भयनी वाटे बलिरंका भांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे अतिबंका सब काम समारे सर्प निवारे कुमति वारे अरिहंता जल जलन भगंदर मंत्र शंकर वाण शंकर समरंता ए सूर्यराजंदा हरि भव फंदा नाम महंदा जसु डंका भांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे अतिबंका। इस दिव्य रचना का निर्माण किया उस समय से लगाकर आज तक परंपरागत के जितने भी समर्थ पट परंपरा के आचार्य भगत समय ने इसे मांगलिक मानते हुए प्रत्येक आत्मार्थ की उन्नति समृद्धि में प्रत्येक कार्य के रुकावट के बाधा में इसको मंत्र और स्तोत्र समझते उसका पाठ किया जाता है। हमारे पुण्य सम्राट ने तो इसे इतना हृदयगम कर दिया था कहीं कुछ भी आया ए भांडवपुर महावीर तो इसे दूर कर क्या नामातिशय था। ऐसे परंपरागत महापुरुष ने जिसको अपनाया हो भला क्यों नहीं जुड़दार होगा। यह जो कुछ भी जुड़दार हुआ है इसमें मेरे को कहीं तक श्रेय लेने की जरूरत नहीं है। ये सारा श्रेय तो पुण्य सम्राट एवं मेरे गुरु यत शांति जी महाराज साहब को। कोई ड्राइवर किसी गाड़ी का मालिक नहीं हो सकता और ऐसा कभी सोचना भी नहीं चाहिए। जो कुछ भी हुआ है राज धन भूप यतिन्द्र विद्या एवं हम दोनों के कृपा पात्र पुण्य सम्राट हम दोनों के उपकारी शांति महाराज साहब की परम कृपा से हुआ है। आज मुझे एक तरफ तो आनंद है इस बात का कि पूरे जालौर जिले में सायला क्षेत्र में कभी कोई राज्यपाल नहीं आया। क्या पुण्य सम्राट ने ताकत लगाई है मेरे इस क्षेत्र में राज्यपाल आएंगे। क्या छोटी सी बात को लेकर के सामान्य व्यक्तियों ने खाली जुगा लगाया उसमें तो सहज सरल और सक्षम ज्ञान के धनी उन्होंने कहा भांडवपुर में है मेरे बाप जी पुण्य सम्राट का है मैं कोशिश करता हूँ मैं समय बनाता हूँ मैं समय देता हूँ। इससे कहते हैं भक्ति। अब आप समझ लें संघ समाज मानव समाज सभी कि भांडवपुर में अब इतनी बड़ी बड़ी समृद्ध वाली लोकतंत्र की शक्तियां यदि आना चाह रही है आ रही है तो फिर आपका संचालन का आपका जवाबदारी का आपके देखरेख का काम ऐसा है। भवन बनाने का काम तो बिल्डर का है लेकिन रहना किसका काम है जो व्यवस्थापक है उसका। इसलिए मैं अधिकतर कुछ नहीं कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा यह तीर्थ अब सक्षम बना है मजबूत बना है आदरणीय वंदनीय आने वाले तमें यात्रियों के लिए
भावनाओं को साकार करने के लिए बने। आप सभी इससे मन वचन काया से और तन मन धन से, मैं मन वचन काया से सार्थक शुद्ध का प्रयोग, तन मन धन तो इसलिए कह रहा हूँ कहीं आपकी कमाई में कहीं गड़बड़ी हो जाए, कहीं कहीं उधर उधर की गड़बड़ी में कमाई आ जाए, तो उसको शुद्ध करने का मार्ग ही तीर्थ क्षेत्र। आज अयोध्या में वो भगवान राम ने नमालम कितनी बड़ी ताकत लगाई, पूरा भारत ही नहीं पूरा विश्व उसको और देख रहा है, लेकिन आज समस्त भारतवर्ष का संपूर्ण जैन समाज का, चाहे वह दिगंबर है चाहे वह तेरापंथी है चाहे वह स्थानिक वासी है, अरे मूर्ति पूजक में सारे संप्रदाय के सारे पदस्थ गुरुजन इस पांडवाद की महिमा से प्रभावी आकर्षित हैं। इसलिए मैं तो इतना ही मानता हूँ कि मेरे दो आँख हैं, एक आँख का नाम पुण्य सम्राट है और एक का नाम तप सम्राट है, हम दोनों एक हैं, हम दोनों की मुसाफरी में यह तीर्थ आकाश को छुए, अपनी भूमि को और ज़्यादा गौरव बढ़ाएं। इसी मंगल कामना के साथ में मुझे जो पद दिया है इसकी रक्षा आपको करना है, ये पद लेने से मुझे खुश नहीं होना है, यह पद आपके लिए मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं कोई व्यक्ति विशेष का नहीं हूँ, मैं तो संपूर्ण समाज का हूँ, ये जो कुछ हुआ है संपूर्ण समाज का हुआ है, और मैं भी इसके लिए सर हृदय से कह रहा हूँ, आने वाले 1.5-2 साल में मेरे बड़े गुरु भाई वर्तमान के गच्छाधिपति आचार्य नित्यानंद सिंह महाराज साहब के 60वां दीक्षा पर अभी इसी भांडवाजी में विशालतम आयोजन से, चूंकि 36 महीने में जब वो द्विशताब्दी आ रही है उसी समय उसी साल में उसी काल में जैसे भांडवाजी मेरे 50 में आई तो आपकी 60वीं 200 में आएगी, ये हमारा कर्तव्य है। हम एक मुझे बार बार याद आता है, भरत महाराजा भरत, भरत भगवान रामचंद्र जी के भाई भरत, जिन्होंने शेष समय के लिए राजकाज को केवल चरण पादुका के अनुशासन नृत्य किया, मुकुट का भी धारण नहीं किया, लेकिन जब दोनों भाई मिले तो दोनों भाई के मिलने के बाद में भगवान रामचंद्र जी क्या कहते, भरत भाई कपिसम ऊर्ण नाही, यानी भगवान स्वयं कह रहे हैं भरत यदि हनुमान जी नहीं होते तो मेरा ये सारा काम काज इस अयोध्या तक का पूर्ण नहीं होता, ये सब कुछ राज धन भूप यत्न विद्या और पुण्य सम्राट योगी राज का ही प्रबलतम पुण्य है। हमें कहीं भी यश के उन्माद में आना नहीं है, यश की गाथा में भूलना नहीं है, उत्तरोत्तर समाज संघ चतुर्थी संघ के कार्यों में समृद्धि सम्मानता संप बना रहे, इसी मंगल कामना के साथ में मैं अपने वक्तव्य को अभिराम दे रहा हूँ। अब मैं बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मेरे से बड़े तो है ना, इसलिए भले आप कम बोले मुझे मंजूर है, गहलोत साहब ने मुझे कहा है कि आप थोड़ा तो बोलें अवश्य बोलें, 1 मिनट सही, लेकिन आपकी पुरस्कार के बिना यह रसोई अधूरी है। हेलो, परम धर्म दिवाकर शांत प्रशांत और प्रशम रस पयोनिधि जैसी आत्मा जो कि पुण्य सम्राट के समस्त परिवार को एक जो है मुखिया के रूप में लेकर चल रहे हैं, और ये अखिल भारतीय नहीं इंटरनेशनल लेवल की ये तत्वतरी प्रतिष्ठा जिनके पावन निष्ठा में चल रही है, ऐसे परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य भगवंत नित्यसेन सूरी जी महाराज साहब हम सभी को उद्बोध कर रहे हैं। माइक
संताप दूरे निवारी सुखद नाम जयंत सेन मंगलकारी। भाग्यशाली महानुभाव, आज का यह सुंदर अवसर मेरे गुरुदेव के साथ में जिनका निकट संबंध, आत्मीयता का संबंध, और एक महान हस्ती कहां से कहां तक पहुंची है, और मैं चाहता हूं अभी तो कर्नाटक के राज्यपाल बने हैं, परंतु पूरे भारत के आप राज्यपाल बनकर के और यहां पर राष्ट्रपति बनकर के फिर एक बार हमें आकर के मिले, हमारी भावना को आप पूर्ण करें। पुण्य सम्राट ने बहुत कुछ आशीर्वाद दिया है, कारण मैंने निकट से देखा है, कई वर्षों से मैं आपको जान रहा हूं, देख रहा हूं। जब भी गुरुदेव के पास आते हैं मैं आपको साथ में वहीं पर मिलता था, और आपकी जो भावना गुरु के प्रति, धर्म के प्रति, जैन धर्म के प्रति जो आपकी निष्ठा है, जो आपका लगन है, जो आपकी भावना है, वो मेरे से छिपी हुई नहीं है। मैं कई बार इनसे सुनता हूँ, जब भी आप पधारते हैं तो आपका सुनने की लालसा सभी रखते हैं, हम भी सुनते हैं, तब यही इनके मुंह से निकलता है। धर्म के प्रति आत्मीयता होना, धर्म के प्रति इतना लगाव होना, और गुरुओं के प्रति इतनी भावना रख करके समर्पितता के भाव रखना, वही व्यक्ति तो उच्च शिखर तक पहुंच सकता है, और वो भावना मैं आपके अंदर कब से देख रहा था। जब रतलाम चातुर्मास प्रवेश था तब आपने आगवानी की थी, चेतन जी काश्यप और आप दोनों पास में बैठ करके हर कार्य कर रहे थे, और उसके बाद में तो रतलाम में शायद 2-3 बार भी आपका आना हुआ। पुण्य सम्राट की निद्रा में जो भी कार्य हुआ और आपको पता चला, तो आप तो बिल्कुल निसंकोच आ ही गए कि मुझे आना है। ये आत्मीयता का दर्शन है, ये पुण्य सम्राट के प्रति आपके भाव है, इसी कारण से आपने अपनी आत्मीयता जुड़ाए रखी है। आज यहाँ पधारे हैं और आप हम सभी को अभी इनसे सुनना है, इन्होंने तो सबको सुनाया होगा कभी, पर अभी हमको वापस यहाँ सुनना है। बहुत दिन हो गए, कारण रतलाम चातुर्मास के 8 वर्ष हो गए, अभी 8 वर्षों के बाद में तो बहुत कुछ लेकर के आए होंगे, अब थोड़ा ही हमको सुना के जाएंगे। पूज्य पुण्य सम्राट के प्रथम शिष्य और वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवंत, गहलोत साहब ने कहा है कि गुरु कृपा कुछ अलग होती है। मेरे तो बाप जी पोते का रिश्ता ही जैन समाज से जुड़ चुका है, इससे अधिक तो क्या चाहिए। अब जी आइए, अब हम महामंत्री को सुने, इससे पहले 1 मिनट के लिए सभी की इच्छा है हमारे बीच में जैन शासन के गौरव और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पिछले 2 दिन से हमारे बीच में है आदरणीय हर्ष जी सुराणा से निवेदन करना चाहूँगा कि महामहिम के आगमन पर आप भी अपने आंतरिक स्नेह के भाव प्रस्तुत करें। एडवोकेट सुराणा जी पोडियम से। गच्छाधिपति गच्छाधिपति गुरुदेव कोटि कोटि नमन, आचार्य श्री कोटि कोटि नमन, सभी साधु भगवंत और गुरुदेव को कोटि कोटि नमन, ऑनरेबल गवर्नर साहब और मंचासीन विशिष्ट अतिथियों को मेरा प्रणाम, और आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मैं पारस भाई का परिवार
और भांडवपुर जैन तीर्थ को बहुत बहुत अनुमोदना कि इतना अच्छा आप लोगों ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। ऐतिहासिक प्रतिष्ठा, जिस तरह के अरेंजमेंट और सारी चीज़ें, तो आप सबको बहुत बहुत अनुमोदना। और मेरा भी सौभाग्य है कि कुछ सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स की वजह से 19 तारीख को मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं रह पाऊँगा, तो आज सैटरडे की वजह से मैं हूँ। और पारस भाई ने अभी बोला मुझे कि आप थोड़ा सा जो भी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में थोड़ा बताएं, तो बस मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि जो अभी सुबह गुरु भगवान से भी बात हुई थी कि मेरे फादर भी राजस्थान में जज रहे, और उन्होंने एक चीज़ मुझे बोली थी कि बहुत सारे हमारे जैन समाज में डोनेशन देते हैं, मंदिर बनता है, दूसरे काम होते हैं, आप एक लीगल फील्ड में हैं तो कभी भी समाज को आपकी ज़रूरत हो तो आप अपना उसमें योगदान और टाइम दीजिएगा। तो गुरु भगवंत के आशीर्वाद से अभी एक अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का तीर्थ जो 42 साल से बंद था, वो गुरुदेव के आशीर्वाद से सुप्रीम कोर्ट में उसकी हियरिंग हुई और वो अभी पिछले साल वो खुला है। सो ये सारा गुरु भगवंत और का आशीर्वाद है जिस वजह से ये हुआ। पुनः मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और पूरे ट्रस्ट मंडल को बहुत बहुत साधुवाद। ये थे सुप्रीम कोर्ट के हमारे सीनियर एडवोकेट, समाज के रतन कोहिनूर एडवोकेट हर्ष जी सुराणा, आपके प्रति हर्ष अभिव्यक्त करते हैं। और अब जिनको सुनने के लिए हम सब लालयित हैं, आपको ये बताने में बहुत बड़ा गर्व हो रहा है, महामहिम ने अभी मुझे बताया कि आचार्य जी, मुझे बहुत गौरव है कि मेरे पोते की शादी जैन शासन के गुलेछा परिवार के साथ में अभी 6 फरवरी को ही हुई है। वो बियाजी साहब भी यहाँ पर पधारे हुए हैं। हम पूरे समाज की ओर से इस वक्त आपको खूब भूरी भूरी बधाई देते हैं और निवेदन करना चाहूँगा महामहिम से। आप सभी जानते ही हैं, अभी गच्छाधिपति ने आपको बता दिया कि जब जब पुण्य सम्राट के पास आप आए, हमने आपको देखा है। भारत सरकार में 2014 से लगा के 19 तक लगातार अधिकारिता मंत्री के रूप में आपने गरीबों, बेकसों और आदिवासियों की जो सेवा की है वो 21 तक लगातार, और पिछले 4 सालों से तो निर्बल और गरीबों का दिन मान बने तो मैं जानूं, अभिशप्त हुए कुछ लोगों का वरदान बने तो मैं जानूं, तुम लाख ताकतवर हो लेकिन भगवान नहीं बन सकते हो, इंसान दुनिया में इंसान बनो तो मैं जानूं। इंसानियत की आबरू को जिन्होंने पुण्य सम्राट के साथ में रह करके इतनी ऊंचाइयां प्राप्त की है, और अभी गच्छाधिपति ने कहा कि आप समग्र भारत देश के, मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहूँगा कि अभी जब राष्ट्रपति की बात आई थी तो टॉप 10 में राष्ट्रपति पद के लिए आपका भी नाम देश के सामने आया था, और ये प्रपोजल आना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल कर्नाटका आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब से निवेदन करता हूं कि वे गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के और सदन को संबोधित करें। भांडवपुर तीर्थ नायक श्री महास्वामी जी के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। विश्व पूज्य गुरुदेव श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन करता हूँ। पुण्य सम्राट, राष्ट्र संत एवं मेरे जीवन में आध्यात्मिक मार्गदर्शक गुरुदेव श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भांडवपुर तीर्थ में विराजमान इस प्रतिष्ठा महोत्सव में सानिध्य प्रदान कर रहे गच्छाधिपति
श्री नित्यसेन सुरेश्वर महाराज साहब एवं आचार्य भगवान श्री जयरत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब और यहाँ विराजमान साधु साध्वी मंडल के चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। विराजमान मुनिराज श्री चारित्र रत्न विजय जी, जिसका मुझे समय समय पर आशीर्वाद मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है। मंच पर मेरे साथ विराजमान एवं उपस्थित श्री पारस जी जैन साहब, श्री कमलेश जी जैन साहब, अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी शाह साहब, श्री धीरज भंडारी जी, श्री सूरजमल जैन जी एडवोकेट एवं हर्ष सुराना एडवोकेट साहब, श्री विक्रम कुमार बालड़ा जी बालड़ जी, श्री अशोक कुमार सकलेचा जी, श्री महावीर कुमार हीराणी जी, श्री गौतम बालड़ जी, नागदा से आए मेरे घनिष्ठ मित्र सहयोगी राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब, नवयोग मंडल परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ब्रजेश वोरा जी, ये मेरे साथ नागदा के हैं। और पूज्य स्वामी जी ने मुझे टेलीफोन पर कहा कि आपको यहाँ आना है, उस बात को इन्होंने फॉलो किया और कम से कम आधा दर्जन बार टेलीफोन किया और कहा कि आपको यहाँ कार्यक्रम में आना ही है। तो मुझे स्वामी जी के कहने से और उनके आग्रह पर और समिति के आग्रह पर आप सब लोगों के दर्शन करने का लाभ मिला है, पुण्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सबको सादर जय जिनेन्द्र करता हूँ। भांडवपुर तीर्थ की परम पावन भूमि पर बसे श्री भांडवपुर महातीर्थ के विशाल प्रांगण में जीर्णोद्धारित नवसुरजित जिनालय मंदिर आदि के प्रतिष्ठोत्सव में मुझे आप सभी के बीच आने का सौभाग्य मिला है। मुझे संत गणों का, साध्वी मंडलों का आशीर्वाद मिल रहा है, मैं अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। एक बार श्री राजेंद्र सूरी जी गुरुदेव को यहाँ संकेत मिला कि यहाँ परमात्मा विराजमान है। गुरुदेव ने वीर प्रभु का दर्शन किया और उनके मुंह से शब्द निकल पड़े, भांडवपुर राजे सकल समाजे वीर विराजे अति बंका। यह चैत्य वंदन महामांगलिक बन गया। गुरुदेव ने आसपास के इलाके के श्रावकों को इसके जीर्णोद्धार करने का उपदेश दिया। इसके लिए गुरुदेव ने पूरी दियावट पट्टी में भ्रमण किया। पूज्य सम्राट श्री जैन सेन सुरेश्वर जी के उपदेश से इस तीर्थ का विस्तार हुआ। श्री जयरत्न सूरी जी की निश्रा में इस तीर्थ का कायाकल्प हुआ। इसमें श्री आनंद विजय जी महाराज साहब की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इन सब कारणों से आज आपने और हमने सबने देखा कि महाराज साहब को भांडवपुर तीर्थ उद्धारक की उपाधि मिली है। मैं इसके लिए पूज्य स्वामी जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि वो इन्हें निरंतर आगेवान बनाए रखने का आशीर्वाद प्रदान करें। उनको जब जावरा में राष्ट्र संत और रतलाम में चातुर्मास में लोक संत के पद से विभूषित किया गया था, अलंकृत किया गया था, मुझे उसमें उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था। महाराज साहब का आशीर्वाद भी मुझे मिला था। मैंने उनके आशीर्वचन सुन कर के अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाने के लिए उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास किया है और कर रहा हूँ। अनेकों विशेषताओं के साथ अलौकिक दिव्य भव्य श्री भांडवपुर तीर्थ
अनेक लोगों की भावना और आस्था का केंद्र बनकर धर्म और संस्कृति के संवर्धन एवं संरक्षण का कार्य कर रहा है। हमारा धर्म सर्वधर्म संभाव में विश्वास करता है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित है। हमारी संस्कृति सदैव विश्व बंधुत्व और विश्व शांति और समता और समरसता की प्रेरणा देती है। हमारी रक्षा धर्म से होती है, इसीलिए कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म की परंपरा ऐसे महान संतों धर्म गुरुओं से आगे बढ़ती है। धर्म की रक्षा के लिए संत समाज का महत्वपूर्ण योगदान होता है। समाज को संगठित रखने में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और आप और हम सब परस्पर एक दूसरे से मिलने जुलने का काम करके आगे बढ़ते हैं। जैन दर्शन में अहिंसा परमो धर्म का विशेष महत्व है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव जैन धर्म सिखाता है। अहिंसा, संयम और तप जैन धर्म का आधार स्तंभ है। जैन धर्म में तप का विशेष महत्व है। अभी स्वामी जी ने अपने आशीर्वचन में कहा कि जो तप कर लेता है वो तो बहुत महान बहुत अच्छा है, परंतु अगर ये नहीं कर सके तो इसके अनुरूप ही कुछ और काम करके अपने जीवन को सफलता की ओर आगे ले जाया जा सकता है। अभी तप मनोबल में अभिवृद्धि करता है और आत्मिक शांति प्रदान करता है। तप आध्यात्मिक जीवन की आधारशिला है। तपस्या जीवन की ज्योति है। तपस्या मन को शुद्ध व काया को कुंदन बनाती है और आत्मा को उज्ज्वल बनाती है। मैं जैन संतों के बीच में 1974 से आया और मैंने उनके आशीर्वचन प्रवचन सुन करके जन्म से तो जैनी नहीं हूँ, परंतु कर्म से जैनी बनने का संकल्प लेकर के प्रयास किया है। मैं जब मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री था तो मैंने और मेरी पत्नी ने निर्जला तेला किया था और तभी से मैं तप से प्रभावित हुआ। साधु एवं साधियों के प्रवचनों एवं आशीर्वचनों से पूज्य तीर्थंकरों की प्रेरणा पाकर जैन समाज जीव दया और मानव सेवा के कार्य कर रहा है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी के अमर संदेश जियो और जीने दो को जैन समाज सार्थक करते हुए मानव सेवा के साथ साथ सामाजिक आध्यात्मिक और धार्मिक सांस्कृतिक नैतिक परमार्थिक कार्य कर रहा है और जीव दया के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है। जैन धर्म के साधु संतों द्वारा सांसारिक जीवन त्याग कर जैन धर्म को प्रचारित करने और समाज के उत्थान का संकल्प लेकर प्रेरणादायी कार्य किए जा रहे हैं। भक्ति में शक्ति होती है, ये आप जब भक्ति करोगे तो आप स्वयं भी महसूस करोगे। हमें भगवान की भक्ति करते हुए ऋषि मुनियों साधु संतों से प्रेरणा लेकर जीवन को सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। आज देश और दुनिया में पर्यावरण संबंधी समस्याएं गंभीर रूप लेती जा रही है और इस कारण से जीव दया प्रभावित हो रही है। प्राणी मात्र की रक्षा के लिए हमें तथा जीव दया के साथ साथ जल वन वायु एवं भूमि और जैविक विविधता के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। तभी जियो और जीने दो की भावना सार्थक रूप ले सकेगी। निश्चित रूप से भगवान महावीर स्वामी जी ने जो संदेश हमको दिया है उस पर चल कर के ही जीव दया की रक्षा और संरक्षण हो सकता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यक्ति जीवन को सफल बनाने के लिए व्यसन मुक्त हो तो बहुत अच्छा है। मैं जैन संतों के संपर्क में आकर के
अन्य ऋषि मुनियों के संपर्क में आकर के व्यसन मुक्त हूँ और किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं है। यहाँ तक कि एक बार सुजालपुर में एक संत पधारे थे, दिगंबर संत, महान संत थे। प्रवचन के बाद में उन्होंने कुछ लोगों को सामने से बैठे हुए को मंच पर बुलाया और कहा कि कोई दो चीज़ छोड़ो। 10-15 लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यसन से मुक्ति का संकल्प लिया। मैं मुख्य अतिथि था, मुझे भी कहा कि आप भी आइए और कोई दो चीज़ छोड़ो। मैंने कहा महाराज साहब क्या छोड़ूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, दाल रोटी सब्जी खाता हूँ, आप कहो तो कोई चीज़ एक छोड़ दूँ और आप कहो तो दो छोड़ने का विचार करो। तो बोले नहीं, कोई भी दो चीज़ छोड़ो। अब उनका आग्रह और त्यागी तपस्वी महान संत, उनकी इच्छा आकांक्षा को पूरा करने के लिए मैंने थोड़ा विचार किया और सोचा कि सौंफ सुपारी खाता तो नहीं हूँ पर कसम नहीं खाई है नहीं खाने की। मैंने कहा महाराज साहब आज से सौंफ सुपारी नहीं खाऊंगा। उस बात को करीब लगभग 39 साल हो गए, आज तक सौंफ सुपारी भी नहीं खाता हूँ। साधु संतों की प्रेरणा और संकल्प शक्ति से नशे को समूल नष्ट किया जा सकता है। व्यसन मुक्त होने का लाभ खुद को भी मिलता है, अच्छे स्वस्थ रहते हैं, परिवार को भी मिलता है और परिवार में सुख समृद्धि भी आती है और हर व्यक्ति चाहता है कि उनके परिवार में स्वस्थ रहता रहे, समृद्धता रहे और सशक्तता रहे। इसलिए मैं आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ, सब सुखी हो, सब निरोगी हो की सोच को सार्थक करने के लिए हमें एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर एक दूसरे की मदद करके अमन चैन का वातावरण बनाकर विश्व शांति एवं विश्व कल्याण की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और इस प्रकार के कामों को करने के लिए ऋषि मुनि साधु संतों का मार्गदर्शन हमको मिलता रहता है, हम उनसे प्रेरणा लें। मैं मानता हूँ कि हर कोई ऋषि मुनि तो नहीं बन सकता, महाराज साहब तो नहीं बन सकता, सांसारिक जीवन को त्याग नहीं सकता, परंतु ऐसे महान संतों के प्रवचन आशीर्वचन सुन करके हम कुछ न कुछ उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर लें तो ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। मैं आप सभी का विशेषकर युवा पीढ़ी को आह्वान करता हूँ कि आप व्यसन मुक्त होकर धर्म और संस्कृति को अंगीकार करें और देश हित में, जनहित में, समाज हित में काम करें। मैं यहाँ जीर्णोद्धारक समिति के समस्त सदस्यों के प्रति, पदाधिकारियों के प्रति, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वालों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उन्होंने इस महान पवित्र भूमि पर आने का न्योता दिया। और जयंत सुरेश्वर महाराज साहब की समाधि के दर्शन करने का भी अवसर दिया। मैं पहले से ही आना चाहता था, जब मुझे पता लगा था कि देवलोक गमन हो गया जयंत सुरेश्वर जी महाराज साहब का और उनकी समाधि यहाँ बनी है, तो जिज्ञासा थी, इच्छा थी आने की, वो इच्छा आप लोगों के आमंत्रण से पूरी हुई है। बहुत विकट परिस्थितियों में कार्यक्रम निर्धारित कर पाया, विचार विमर्श ये वो, क्योंकि कर्नाटक में विधानसभा का सत्र भी चल रहा और हर दिन कोई ना कोई कार्यक्रम पहले से ही बने हुए थे, किसी कार्यक्रम को आगे किया, किसी को निरस्त किया कुछ करके, क्योंकि यहाँ आने के लिए एक ही फ्लाइट, अब जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं, कल दूसरे 10 बजे जाएगी। फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मेरी इच्छा है, समिति वालों ने मुझे आमंत्रित किया है, आना चाहिए, मैं आया।
और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि महाराज साहब के आशीर्वचन मिले हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद दिया है, प्रेरणादायी बात भी बताई है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इनके आशीर्वचनों को अंगीकार करके उस पर चलने का प्रयास करूँगा। और मैं ये मानता हूँ कि मुझे जैन संतों का आशीर्वाद के कारण ही जैन समाज में संबंध बनाने का अवसर मिला है। बड़नगर के निवासी सुशील कुमार जी गोलेचा साहब की बच्ची और मेरा पोता, अभी 6 फरवरी को ही दोनों की शादी हुई है और उनमें से एक भाई निर्मल जी यहाँ विराजमान हैं, मुझे उनका भी यहाँ करके मिलने का अवसर मिला। मैं आप सबके प्रति उपस्थित महानुभावों को जीर्णोद्धारित नवसृजित जिनालय एवं मंदिरों की प्रतिष्ठोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो प्लान है, जो योजना बनी है, वो जल्दी से जल्दी साकार रूप ले। और मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि जब ये पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार हो जाएगा, मैं एक बार और आने का प्रयास करूँगा। आज के इस अवसर पर आप सबके आशीर्वाद की कामना करते हुए मेरी बात को समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र। महामहिम, हेलो, महामहिम राज्यपाल कर्नाटक आदरणीय थावरचंद जी गहलोत साहब ने बांडवपुर महातीर्थ पूज्य गुरुदेव आपको दोनों ही आचार्य भगवंत मिलकर के और बहुत अनुपम भेंट दे रहे हैं। मीडिया वाले भाई ध्यान दें, इधर मीडिया वाले भाई ध्यान दें, भगवान महावीर स्वामी की बहुत सुंदर प्रतिमा जी अभी इस वक्त प्रदान की गई है आपको। और आपने इच्छा जाहिर की है कि आने वाले बहुत टूक समय में मैं एक बार पुनः गुरुदेव के आदेश की अनुपालना में यहाँ भांडवपुर तीर्थ आने की भावना रखता हूँ। जोरदार तालियां बजा दें। और आभार विधि के लिए हमारे ट्रस्ट मंडल की ओर से आदरणीय धीरज जी भंडारी से निवेदन करता हूँ कि वे पधारें। पुण्य सम्राट की कृपा से गच्छाधिपति ने भांडवपुर तीर्थोद्धारक को आंखों से आंख मिला, हम अपनी आंख को गंगो जमन समझते हैं, क्या प्रेम है, वाह भाई वाह। आदरणीय धीरज जी भंडारी प्लीज। सबको जय जिनेन्द्र। श्री भांडवपुर के महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश कोटिश नमन। आचार्य भगवान राजेंद्र श्री सर जी के कोटिश कोटिश नमन। पाठ पर विराजित नित्य सन श्री सर जी व जयरत्न श्री सर जी को कोटिश कोटिश नमन। और साधु भगवान और साधु वर्या को सबको कोटिश कोटिश वंदन। महामहिम राज्यपाल कर्नाटक के राज्यपाल श्री थावरचंद जी गहलोत, जो हमारे बीच आप इतनी दूर से अपना बहुमूल्य समय निकाल के जो आप यहाँ इस भांडवपुर तीर्थ पे पधारे, इस भांडवपुर तीर्थ ट्रस्ट की ओर से मैं आपका बहुत ट्रस्ट की ओर से आपका आभार और धन्यवाद प्रदान करता हूँ। और हम आप ऐसे तो थावरचंद जी को बेंगलोर के अंदर में भी कई बार अपने जैनों के उधर कई ऐसे जो काम पड़ा तो उन्होंने अग्रणीय होके ऐसे कभी भी इन्होंने बुला के क्योंकि भाई आप लोग ये कीजिए, इनका पूरा सहयोग रहा है। और अभी वैसे अभी यहाँ पे भी आपने अभी जो जाहिर किया कि मैं दोबारा इस तीर्थ पूरा होने के बाद दोबारा आऊँगा, इसके लिए हम आपकी यहाँ पे जरूर राह देखेंगे। और आप इतनी दूर से पधारे, आपका एक बार पुण्य, फिर आपसे आपका आभार और धन्यवाद। और आदरणीय धीरज जी भंडारी का बहुत बहुत धन्यवाद इस संपूर्ण कार्यक्रम को यहाँ तक लाने में। परम आदरणीय हमारे ट्रस्ट मंडल के पारस जी जैन साहब, श्री कमलेश जी हस्तीमल जी जैन साहिला, हमारे अध्यक्ष आदरणीय रमेश चंद जी शाह, हमारे धीरज जी भंडारी जिन्होंने अभी थैंक्स वोट ऑफ थैंक्स किया है, शाह श्रीमान सूरजमल जी जैन, श्रीमान मदन राज जी महामंत्री एवं तमाम ट्रस्ट मंडल के उन लोगों का बहुत बहुत आभार है।
आभार है आदरणीय ब्रजेश जी बोहरा, जो कि श्री राजेंद्र जैन महासमिति के परिषद के राष्ट्रीय मीडिया अधिकारी हैं, हमारे आदरणीय श्रीमान डांगी जी कुलदीप जी जो समस्त कार्यक्रम को मीडिया के माध्यम से आप तक ले जा रहे हैं, उन सभी का, और आज विशेष रूप से राजस्थान की मीडिया टीम जो यहाँ जालौर से आई हुई है उन सभी का भी, स्थानीय पत्रकार श्रीमान सुखदेव सिंह जी राजपुरोहित और उनकी टीम का भी मैं भांडवपुर तीर्थ ट्रस्ट मंडल की ओर से बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्रीमान नाकोड़ा, श्री नाकोड़ा भैरव डिजिटल स्टूडियो जो कि पूरे कार्यक्रम को लाइव दे रहा है, उनका सभी का आभार अभिव्यक्त करते हुए महामहिम श्री थावरचंद जी का विशेष रूप से आभार कि आपने पुनः इस तीर्थ पर गुरुओं के दर्शन करने की अभिलाषा अभिव्यक्त की है। वो समय बहुत जल्दी आएगा जब आप पुनः इस तीर्थ पर पधार करके और गुरुओं का आशीर्वाद ग्रहण कर सकेंगे। मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य भी आपको प्रणाम करता है। सर्वमंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वसमानम जैनम जयति शासनम। ठीक 2:15 बजे राजचंद्र वाटिका में समाज के अधूरे कामों के लिए, प्रतिष्ठा के अधूरे शेष चढ़ावों के लिए जाजमोगे सभी टाइम से पहुंच जाए। 2:15 बजे चंदन वाटिका में, ठीक 2:15 बजे परम पूज्य आचार्य देवेश की पावनतम निश्रा में प्रतिष्ठा संबंधित सभी चढ़ावों का आदेश राजेंद्र चंदन वाटिका में दिए जाएंगे। सभी महानुभावों से निवेदन है कि राजेंद्र चंदन वाटिका में पधारें। थैंक यू राजेंद्र जी। 2 लाख रुपए के नाम मेरे पास में जो जीव दया के आए हैं, श्रीमती जमुना देवी उत्तम चंद जी संखलेचा मेघड़वा, श्री शांतिलाल जी ऋखभ चंद जी अंदाणी सुराना परिवार, और 1 लाख रुपए की राशि श्री रुकमबेन नवलदास जी पोपटलाल जी परिवार थराद वाले, उनका भी अभिनंदन। अन्य हमारे बहुमान समिति के प्रवीण जी सेठ जो उधर अभिनंदनम मंडपम में अपनी टीम के साथ में काम कर रहे हैं, उनके पास में भी अपना नाम दे सकते हैं। पुनः आप सभी को मास्टर ऑफ सेरेमनी ओम आचार्य की ओर से जय गुरुदेव जय जिनेंद्र। कौन सा नाम बोले बोलो, नहीं बोला मैं। क्या नाम था? जयंतीलाल जी था ना? नहीं, मनोरमल था। मनोरमल जी तो श्रीपल में था। हाँ, मनोरमल जी में श्रीपल था बराबर। हाँ, और थापा चुनने में जयंतीलाल जी, ये यहाँ आ गया। नहीं नहीं, हाँ यहाँ आपने बुलाया, गलत बोला मैंने। हाँ, 2 लाख रुपए है, ठीक है। जीव दया में अगर कोई नाम लिखवाना चाहे तो डायालाल जी को अपना नाम लिखवा सकते हैं। मैं जो है दोपहर बाद की जो सभा चंदन वाटिका में होने वाली है उसमें आपके नाम का अनाउंसमेंट किया जाएगा। थैंक यू। चलिए सही है साहब, थैंक यू। कोई हमें ये माइक्रोफोन ले जाए मेरे से।